बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। जाजपुर में सुन्नत मुस्लिम समाज के सदर का हुआ निर्वाचन, 5 दावेदार मैदान में, चुनावी प्रक्रिया के अनुसार हुआ निर्वाचन। राजपुर नगर में सुन्नत मुस्लिम समाज के नए सदर को लेकर निर्वाचन आयोजित किया गया है, जिसमें तकरीबन 5 लोग सदर के लिए मैदान में हैं। इस निर्वाचन की खास बात यह है कि इस निर्वाचन में पूरी प्रक्रिया आम चुनाव की तरह ही रखी गई है। इतना ही नहीं, मतदान भी बगैर वोटर आईडी आधार कार्ड के मतदान नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही मतदान स्थल पर मतदाताओं के आने की उम्मीद के चलते समाजजनों ने यहां वैक्सीनेशन को लेकर भी जागरूकता दिखाई है। मतदान स्थल के पास ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है। ऐसे में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या किसी के दोनों डोज नहीं हुए, वे यहां पर वैक्सीन भी लगाई जाएगी। साथ ही यहां पूरी प्रक्रिया निर्वाचन के अनुसार ही की जाएगी, जिसमें इस्माइल चौधरी को सदर नियुक्त किया गया है। वहीं राजपुर मुस्लिम सुन्नत समाज के सदर के लिए 5 फार्म आए थे, जिसमें इस्माइल चौधरी को 264 वोट, इकबाल मिर्ची को 197 वोट, फारूक कुरैशी को 151 वोट मिले, वसीम भाई छोटा को 116 वोट व असलम बाबा सूफी को 16 वोट मिले हैं, जिसमें इस्माइल चौधरी को राजपुर मुस्लिम समाज का सुन्नत समाज का सदर बनाया गया है। वहीं मुस्लिम सुन्नत समाज के सदर के लिए चुनाव निर्वाचकों की शांति के साथ मतदान करवाया, जिसमें अशफाक कुरैशी, अयूब शाह, महफूज शेख, यूनुस खान, सादिक बाबा और डॉक्टर शेख साहब की उपस्थिति में शांति रूप से मतदान किया गया। आपको बता दें कि राजपुर में सदर का निर्वाचन शांतिपूर्वक ढंग से हुआ, जिसमें एक को निर्वाचित कर सदर अब बनाया गया है। सदर पद के लिए चुना गया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुस्लिम सुन्नत जमात के लोगों ने मुझे सदर पद के लिए चुना है। मैं सारी अमाम का इस्तकबाल करता हूँ, ये तहे दिल से स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब भी कौम को मेरी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी, मैं उनके लिए हाजिर, सबके साथ लेके चलूँ, सब पूरी कौम को लेके चलूँ।